नमस्कार मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फाइव सेप्टिक लाइव। दोस्तों मैं रणवीर सिंह, देखिए मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट यहाँ पर बहुत ही चौंकाने वाली है और इस पूरी अपडेट में देखिए वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही जानना आपके लिए जरूरी है कि इस तरह का मामला क्यों हुआ। देखिए यहाँ पर वन विभाग में भर्ती से संबंधित मामला है। देखिए यहाँ पर ज्यादा अंक पाने वाले प्रतिभागी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित क्यों, यहाँ पर एक सवाल खड़ा हुआ, वंचित क्यों भाई? इतनी मेहनत की, परीक्षा ही, नंबर भी ज्यादा आए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया से मतलब नियुक्ति से वंचित क्यों रह गए? ऐसा क्या हुआ जो नियुक्ति से इनको वंचित रखा गया है? अब देखिए यहां पर आगे मैं इस पूरी खबर को लेता हूं। देखिए यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और वन रेंज ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित करने पर आरपीएससी, ये आरपीएससी से जुड़ा मामला है, आरपीएससी से 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। 20 फरवरी 2022 तक देखिए यहां पर जवाब मांगा है। अदालत ने यह निर्देश मुदित व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के साथ ही विज्ञान संकाय के 20 प्रश्न पत्रों में से 2 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का चुनाव करना था। ठीक है, सभी प्रश्न वैकल्पिक पद्धति के थे। परिणाम जारी होने पर प्रार्थियों को उत्तर कुंजी से मिलान करने पर पता चला कि उन्होंने अपनी श्रेणी की कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त किए। वो जिस कैटेगरी में थे उस कैटेगरी से ज्यादा उन्होंने अंक प्राप्त किए उस कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी प्राप्त किए। आरपीएससी ने बिना बताए ही स्केलिंग के नाम पर परिणाम से छेड़छाड़ कर सफल अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। किसके नाम पर? स्केलिंग के नाम पर। ठीक है, यहां पर देखिए बाहर कर दिया और फेल अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए योग्य मान लिया। फेल अभ्यर्थियों को जो कट ऑफ मार्क्स से भी नीचे थे, ठीक है, इन्हें हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। अब देखिए इन्होंने यहां पर जो आरपीएससी ने हवाला दिया है इस पूरे खबर से कि इन्होंने क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू की, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद बीच में कोई भी नियमों में बदलाव नहीं हो सकता। एक बार जो भर्ती प्रक्रिया जिस नियम के आधार पर होती है उस नियम के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए मेहनत की, परीक्षा पास किए, मार्क्स ज्यादा आए, नियुक्ति नहीं मिली। किस लिए नहीं मिली? स्केलिंग कर दी, क्योंकि वो कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा उनके नंबर आ गए, वो अपनी कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जा रहे थे। मान लीजिए कि ओबीसी का या एससी एसटी का कोई भी कैंडिडेट है, वो अपनी कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स आते हैं उससे ज्यादा अगर उसके मार्क्स आते हैं तो उसको जनरल में काउंट किया जाता है। ऐसा ही था, लेकिन इनको जनरल में नियुक्ति नहीं दी, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको अपनी कैटेगरी में तो नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो इनको यहां पर अपनी कैटेगरी में भी नियुक्ति नहीं मिली। किस लिए नहीं मिली? उसका जवाब देखिए 20 फरवरी तक डिटेल्स में या डिटेल में यहां पर देखिए कोर्ट में यहां पर हाई कोर्ट में यहां पर देखिए आरपीएससी जवाब देगी, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जो किया है वो बहुत ही गलत किया है और नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का जो नियम नॉर्म्स आपके नए नए नियमों को बीच में थोप देते हैं अभ्यर्थियों के ऊपर, वो गलत है। जो नियम प्रक्रिया शुरू में होती है वही इसमें होनी चाहिए। संदेश को जन जन तक शेयर करें। फिर आता हूं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित कोई भी विश्लेषण के साथ संदेश को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।